हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज संजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद संजय। तो दोस्तों देखिए, पीछे खड़ी है यार मेरी वैगनार। एक्चुअली मैं यार इसमें दो तीन दिन से कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके साइलेंसर में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि साइलेंसर फट गया है या कुछ बड़बड़ की आवाज़ हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर लोकल में एक है बबलू मोटर वर्क्स, तो उस वर्कशॉप पर जा रहे हैं और दिखाते हैं यार, देखें क्या प्रॉब्लम आ रही है इस साइलेंसर में, कैसे रेक्टिफाई होगा, नया पड़ेगा या कुछ रिपेयर भी होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैंने तो अभी तक ये सुना है कि साइलेंसर अगर फट जाए या कुछ हो जाए तो फिर नया ही पड़ता है, तो काफ़ी लंबा खर्चा हो सकता है अगर नया पड़ता है 4-5 हज़ार का। तो चलिए चलते हैं बबलू भाई के पास और देखते हैं वो क्या दिखाते हैं और क्या बताते हैं, क्या रेक्टिफिकेशन करते हैं इसका। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ नॉलेज ही मिलेगी आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ट्रैवल विद संजय, और लाइक ज़रूर करिएगा। और बबलू भाई का भी एक चैनल है जो कि वो वहाँ पर डिस्क्लोज़ करेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनकी आती रहती हैं कार की रिपेयरिंग से रिलेटेड। चलिए चलते हैं बबलू भाई के पास। हाँ तो बबलू भाई बताओ यार, साइलेंसर इन्होंने निकाल लिया है। हाँ सर, ये साइलेंसर है वैगनार का, सर की गाड़ी का, और ये साइलेंसर जो है ये ओरिजिनल है, अभी तक गाड़ी के साथ का साइलेंसर है, पर यहाँ पर ये गल गया है, देखो ये देखिए। और जब ओरिजिनल साइलेंसर को थोड़ा बहुत गल जाता है तो उसको बेल्ट करा के चलाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है और ओरिजिनल साइलेंसर की साउंड भी बढ़िया रहती है, तो उसको रिपेयर करा के चला सकते हैं और बढ़िया चलता है 4-5 साल वेल्डिंग करके। तो अब मैं इसको वेल्डिंग कराऊंगा, उसके बाद में फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे और गाड़ी में बढ़िया पिकअप आएगा और बढ़िया स्मूथनेस आएगी, बढ़िया इसमें साउंड बनेगी। अच्छा अबलू भाई, जो साइलेंसर है उसमें हाँ मतलब जैसे सही साइलेंसर है, हाँ तो सही साइलेंसर से एक तो हम जो नॉर्मल आदमी है वो तो ये समझता है कि यार आवाज़ अच्छी आती है, जो मतलब ऐसी साउंड है वो एडजस्ट हो जाती है बढ़िया। इसके अलावा भी क्या साइलेंसर के कुछ और यूज़ हैं क्या, मतलब हाँ साइलेंसर में पिकअप में एवरेज में पोल्यूशन में बहुत बढ़िया काम करता है, साउंड बहुत अच्छी निकलती है, इससे माइलेज भी अच्छा रहता है साइलेंसर से, और जो हल्की क्वालिटी के होते हैं वो उससे माइलेज भी कम होता है, उसमें साउंड भी ज़्यादा रहता है और वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। ओरिजिनल साइलेंसर अगर आपका हल्का फुल्का कहीं से गल गया है उसको वेल्डिंग करा के बढ़िया करके वो चल जाता है 3-4 साल ओरिजिनल। तो ओरिजिनल साइलेंसर को ज़्यादा छोटा मोटा है तो उसको ज़्यादा मतलब फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको रिपेयर कराते हैं। ये बेल्ट है थोड़ा सा इसमें छोटा सा, ओके इसको बेल्ट करा के बढ़िया काम करेगा। चलिए भाई, तो अभी इंतजार करते हैं बबलू भाई इसकी वेल्डिंग करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली, इंप्रूव होती है कि नहीं। ठीक सर, साउंड में क्या चेंज आता है। बिल्कुल सर, चलिए इंतजार करते हैं। साइलेंसर वेल्ड हो गया, आ गया तो भाई बबलू भाई ने साइलेंसर करवा दिया वेल्ड। चलिए एक बार करीब से दिखाते हैं, ये कहाँ करवाया बबलू भाई? ये थोड़ा सा यहाँ पर था, थोड़ा सा यहाँ पर था, और ये ओरिजिनल साइलेंसर है कंपनी के, गाड़ी के साथ का है, इसलिए हमने इसको रिप्लेसमेंट नहीं किया, इसी को ही रिपेयर करा दिया। ये बढ़िया चलेगा, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, बढ़िया एवरेज आएगा, बढ़िया पिकअप आएगा। चलिए अब हम इसको फिट करते हैं, उसके बाद में गाड़ी देखते हैं चला के। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. गाड़ी की साउंड जो है, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है क्या? हाँ स्टार्ट हो गई, पता नहीं चल रही है, बहुत बढ़िया साउंड है। और अब हम देखिए साइलेंसर के पास आ गए, और भाई बिल्कुल बिल्कुल साउंड नहीं है, बिल्कुल नए जैसी आवाज, बिल्कुल ओरिजिनल हो गया। और देखो वेल्डिंग से ही जो भी 4-5 हज़ार रुपए लगने थे वो बच गए, है ना? हाँ, और ओरिजिनल का ओरिजिनल हो गया, जल्दी और बढ़िया काम। तो ये था यार साइलेंसर का, अगर कोई इशू आता है इस तरीके का कि अगर लीकेज वगैरह है, तो उसको बबलू भाई ने बताया है आज कि किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू बबलू भाई, बहुत बढ़िया आपने इसका सोल्यूशन बताया है हमको। हाँ, ओरिजिनल साइलेंसर अगर इसी तरीके के ओरिजिनल सोल्यूशंस देखने हैं और अपनी जेब पे कैची जम्बी ना चले, उसको बचाना है, तो बबलू भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। ये इस तरीके की बहुत ही बेहतरीन टिप्स जो हैं वो अक्सर देते रहते हैं, मैं भी इनका सब्सक्राइबर हूँ, तो यू ऑल शुड सब्सक्राइब हिम। चलो फिर, अब थोड़े इसमें और काम है, गाड़ी की वॉश करवाते हैं और थोड़ा चमकवाते हैं गाड़ी को, और फिर चलते हैं घर।
थैंक यू भाई, ठीक है सर, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।